हेलो गाइज, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज, आज हम बात करेंगे यूट्यूब की। आपको ताजुब लग रहा है क्या? जी हाँ गाइज, आज हम बात करेंगे यूट्यूब की, क्योंकि गाइज इंडिया में जैसे स्मार्टफोन की जो क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत सारे लोग इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे हैं और धीरे धीरे अभी इसका क्वांटिटी बढ़ता ही जा रहा है, जो कि पहले 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, अभी करोड़ों लोग जो स्मार्टफोन है यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो पहले जो बेसिक फ़ोन जो हमारे कीपैड के आते थे, जो बेसिक फ़ोन्स होते थे, उससे हट के जो 4G में स्विच कर रहे हैं, यानी कि स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिसको YouTube को यूटिलाइज करना नहीं आता है, और YouTube में कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं। क्योंकि ऐसा इंसिडेंट रिसेंट में ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे फेसबुक फ्रेंड ने मैसेंजर में मैसेज किया था, जो कि रिसेंट में ही शायद आई थिंक फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया होगा, और हो सके बहुत ही हाल फिलहाल ही लिया होगा वो स्मार्टफोन, और जस्ट वो इंटरनेट को यूज़ करना ही कर जाने। उन्होंने मुझसे ऐसे ही मैसेंजर में ऐसे ही क्वेश्चन किया था कि आपको मैंने यूट्यूब में भी देखा है, मैं आप शायद YouTube में भी वीडियोस बनाते हैं, तो क्या? तो मैंने उससे जैसे ही जस्ट पूछा कि यार YouTube में तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, बट आपका कोई लाइक भी नहीं आया, कभी कोई कमेंट भी नहीं आया, या फिर डिसलाइक भी नहीं आया, ताकि मैं आपको जान पाऊँ कि आप सही में देखते हैं क्या वीडियो। तो गाइज उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया जिससे मैं शॉक हो गया। जी हाँ गाइज, ऐसा रिप्लाई शायद आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं सुनने को मिला। उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे लाइक करना नहीं आता है। मुझे लाइक करना नहीं आता। सुनकर ताजुब हुआ ना गाइज? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइक करना तो चाहते हैं, बट लाइक कहाँ से होता है, कमेंट कहाँ से होता है, और जो सब्सक्राइब होता है वो कहाँ से होता है, उसको नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे भी हैं जो कि आप खुद भी देख रहे हैं कि बहुत दिनों से इसका जो यूज़र इंटरफेस है यूट्यूब का बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया, या कम्प्लीटली चेंज हो गया। अभी नए अपडेट के साथ तो सारा सिस्टम भी इधर से उधर हो गया। बहुत सारे लोग को ऑलरेडी यूट्यूब जो कुछ जानते हैं वो भी बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है यूट्यूब ने भी, जैसे उसका यूज़र इंटरफेस चेंज कर दिया, कमेंट सेक्शन को दूसरे जगह से चेंज कर दिया। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसमें से आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता होगा कि शायद ये कहां पर होगा, अगर यदि आप नए यूज़र हैं तो। गाइज आप यदि स्मार्टफोन के नए यूज़र हैं, यूट्यूब में हाल फिलहाल ही वीडियो स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट किए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो गाइज वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज मैं इसी यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी, यूट्यूब में यूट्यूब का ज्ञान बांट रहे हो? हाँ तो बांटो। हाँ जाओ यार। तो गाइज हाँ, मैं आज यूट्यूब के ही बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा सिस्टम कहाँ पर होता है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा तो प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, और अपने ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया, मैं आगे से अपनी वीडियोज़ में उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तो गाइज आइए यूट्यूब के सेक्शन में लेके चलते हैं और बताते हैं यूट्यूब में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कंप्लीट पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ओके गाइज, जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा फोन स्क्रीन, और YouTube के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सबसे पहले YouTube का सेक्शन में जाना पड़ेगा। जी हाँ गाइज, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मैं आपको YouTube एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन आता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जितने भी डिटेल्स बता रहा हूँ। और इसमें आपको जो डेस्कटॉप मोड होता है उसका फीचर्स कुछ अलग होता है, जो कंप्यूटर और लैपटॉप में हमारा जो यूट्यूब खुलता है वो डेस्कटॉप वर्जन में खुलता है, उसका यूटिलाइजेशन कुछ अलग होता है, उसमें फंक्शंस कुछ ज़्यादा मिलते हैं, बट उसके मुकाबले में आपको मोबाइल सेक्शन में थोड़ा सा कम यूटिलाइजेशन मिलता है, कुछ कम ऑप्शन मिलता है। तो गाइज ये मैं सब कुछ बता रहा हूँ जो भी आपको YouTube का जो मोबाइल वर्जन है उसमें बता रहा हूँ। तो गाइज सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए होम, एक्सप्लोर, प्लस, सब्सक्राइब और लाइब्रेरी यहाँ पर हुआ था। तो होम का सेक्शन में तो जानते हैं ये होम पेज हो गया, जो भी आपका जो चैनल का जो होम पेज हो गया वो होम पेज में आ जाएगा आपका। एक्सप्लोर में आप कौन कौन सा ज़्यादा सर्च करते हैं वो सब डिटेल्स आपके आ जाएंगे, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो आपको, जो जितने भी आपको ज़्यादा सर्चिंग करते हैं या फिर जो ऑप्टिमाइजेशन होता है जो यूट्यूब की तरफ से गेमिंग से रिलेटेड चाहिए अलग से, म्यूजिक, न्यूज़,
से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड किस बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए उस हिसाब से आपको एक्सप्लोर में आ जाएगा। और प्लस के आइकन में जैसे टाइप कीजिएगा तो यहाँ अपलोड का सेक्शन होता है, वो सिर्फ क्रिएटर के लिए होता है। अगर यदि आप यूट्यूब में क्रिएटर हैं, आप यूट्यूब में वीडियोज़ बनाते हैं तो आप शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आप इसमें देख रहे हैं फुल लेंथ वाला वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपलोड वीडियो का सेक्शन से अपलोड मैं करता हूँ। तो यहाँ से आप लाइव जा सकते हैं, मतलब जैसे आपको लाइव टूर्नामेंट वगैरह क्रिकेट मैच होता है तो आप उसको लाइव सेक्शन में जाके आपको लाइव कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ। तो ये हो गया प्लस का सेक्शन। में सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जैसे जाएंगे तो आपने कितने कितने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ सारा डिटेल आपको सब्सक्रिप्शन का सेक्शन में आ जाएगा, जितने भी अपने चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे वो। तो यहाँ पर लाइब्रेरी में जैसे जाएंगे तो लाइब्रेरी में आपको आप यहाँ हिस्ट्री हो जाएगा कि कौन कौन से वीडियोस आपने देखे हैं, हिस्ट्री में आपको पहले जो कौन से देखे हैं वो आ जाएगा। जितने भी आपको यदि एज क्रिएटर हैं और आप वीडियो अपलोड करते हैं तो ये अपलोड का सेक्शन में आ जाएगा कि कितने वीडियो आप अपलोड कर चुके हैं वो यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर मूवी में होगा तो मूवी का डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, जो यूट्यूब में जितने भी मूवीज़ वगैरह हैं वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वॉच लेटर में अगर यदि कोई वीडियो आपको अभी नहीं देखना है बाद में देखना है तो आप उसको सेव रख सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो उसको सेव सेक्शन से आप यहां से देख सकते हैं कितने वीडियोस को आपने लाइक किया है, वो नीचे आपको लाइक का ऑप्शन से दे सकते हैं। तो ये नीचे का कंप्लीट पाँच ऑप्शन है, पाँचों का ऑप्शन मैंने डिटेल में बता दिया। आप आते हैं ऊपर के सेक्शन में, तो होम में आते हैं। होम में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर में यूट्यूब लिखा हुआ, उसके बाद एक घंटी टाइप का बना हुआ है। तो घंटी क्या है, ये देखिए एक नोटिफिकेशन है, जितने भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो वो वीडियो जब भी अपलोड करता है तो उसको एक नोटिफिकेशन आपको मिलता है जो आप बेल आइकन दबाने से। इसलिए मैं देखिएगा गौर कीजिएगा, मैंने हमेशा कहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जैसे बेल आइकन दबाते हैं कहीं यदि तो आप इसको इस मैं कभी भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन के सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। और अगर कोई भी आपको यूट्यूब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सिर्फ चैनल का नहीं है, आप कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ से आप नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो राउंड जैसा सर्च बार लिखा हुआ है तो यहाँ से आप कुछ भी वीडियोस, कोई भी वीडियो आपको चाहिए एडिशनल, कोई भी देखना जिस टॉपिक में आपको वीडियोस देखना है उस टॉपिक में यहाँ से सर्च करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये सर्च का बार का काम होता है। और देखिए यहाँ पर आपका जो चैनल, जैसे मेरा यहाँ पर फोटो आ रहा है तो यहाँ पर आपको जिस नाम से रजिस्टर होगा आपका ईमेल आईडी, उस नाम में जिस फोटो का यूज़ किएंगे वो आएगा। और जिस ईमेल आईडी से आपने अपना जो गूगल अकाउंट होगा यूट्यूब का, उसमें आपको उस सेक्शन का आ जाएगा डिटेल, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ सेटिंग्स को ऑपरेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपको देखिए जर्नल, ऑटो प्ले, डाउनलोड, वॉच ऑन टीवी, आप टीवी में मिरर करके कैसे यूट्यूब को देख सकते हैं वो होता है। हिस्ट्री कैसे सेव करना है, डिलीट करना है, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल में सेटिंग्स में क्या क्या है थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूँ तो ये आपको ब्रेक का रिमाइंडर आपको चाहिए अगर यदि आपको, तो यदि 10 मिनट 15 मिनट बाद आपको चाहिए कि आपको कंटिन्यू ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं तो ये यहाँ से अपने हिसाब से आप टाइमिंग सेट करके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि 15 मिनट 10 मिनट बाद आपको ये रिमाइंड कर दे कि इतना टाइम आपने कंज्यूम कर लिया है यूट्यूब में, आप उसको बंद कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आपको डेडलाइन, रिमाइंड मी व्हेन इस डेडलाइन, मतलब ये ओपन करके रखते हैं तो जब बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है। यदि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, ये डार्क मोड और लाइट मोड, जैसे यहाँ पर देखिए फुल लाइट मोड है और अभी इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो ये डार्क मोड हो जाता है। तो ये आपको डार्क मोड और लाइट मोड में स्विच करने का सिस्टम देता है। और यहाँ पर डबल टैप टू सेक का ऑप्शन एक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से आप टाइमिंग सेट करते हैं तो जब भी आप स्क्रीन में लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको रिवर्स करना है तो डबल टैप अगर जैसे राइट साइड में करते हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं वो फॉरवर्ड हो जाता है, और लेफ्ट साइड में डबल टैप करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 60 मिनट, अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये हुआ डबल टैप का ऑप्शन। यहाँ से आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर यदि आपको अनापशनाप बहुत सारे वीडियोस आते हैं तरह तरह की, वो बहुत सारे वो घटिया किस्म के वीडियोस आपको YouTube में रिकमेंडेशन आती है तो इसको आप बंद करके रखिएगा तो आपको उस तरह का वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है वो सब आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जैसे कि मैंने बंद करके रखा है, आप भी इसको बंद करके रखिएगा। तो ये हुआ जनरल सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पर ऑटो प्ले में क्या होता है कि आपको कोई भी वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखने के बाद दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक अलग दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो यहाँ से ऑटो प्ले को सेट कर सकते हैं। डाउनलोड्स में आप डाउनलोड्स के फीचर्स को प्लस जो कि आपको डाउनलोड का फीचर मैं आगे बताऊँगा तो आपको किस क्वालिटी में चाहिए वो क्वालिटी आपका डाउनलोड्स का वो आ जाएगा, आपको जिस क्वालिटी में चाहिए उसी हिसाब से डाउनलोड होगा, इसी हिसाब से आपका डेटा भी जल्दी ख़त्म होगा या कम ख़त्म होगा। आप यहाँ से थोड़ा सा जैसे 360p का मैंने डाउनलोड करके ऑप्शन रखा हुआ है तो यहाँ पर
जब भी मैं कोई वीडियो डाउनलोड करूँगा तो उसका क्वालिटी 360p में ही डाउनलोड होगा। तो ये हुआ डाउनलोड का सेक्शन। और ये वॉच ऑन टीवी वगैरह, जिस टीवी में आप स्मार्ट टीवी वगैरह जैसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये फंक्शन है। ये तो ये हो गया सेटिंग्स का। आप चलते हैं, ये आपको ऊपर लोअर लाइन पूरा कंप्लीट बता दिया, ऊपर का लाइन बता दिया। ये यहाँ पर शॉर्ट का सेक्शन आया जो कि यूट्यूब ने नया इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ गाइस, ये शॉर्ट का सेक्शन जैसे आपको टिकटॉक वाली बीमारी थे वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे आपको शॉर्ट सेक्शन जितने भी शॉर्ट्स के वीडियो जैसे आप यूट्यूब में देखते थे उस तरह के वीडियोज़ आपको यहाँ शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ये परमानेंटली किया है, अभी तक अलग कोई ऐप का इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये यूट्यूब के ही सेक्शन में आपको मिलेगा। और रिसेंट में बार बार जैसे आप कोई भी सर्च करते हैं तो वो रिकमेंडेशन में आती है आपको इस तरह की कोई, जैसे जिस तरह की वीडियोज़ को आप सर्च करेंगे उस तरह का रिकमेंडेशन ये ऑटोमेटिक आएगा। जैसे मैं ज़्यादातर मोबाइल गैजेट्स बाइक्स वगैरह के रिलेटेड ही सर्च करता हूँ यूट्यूब में, तो मेरा ज़्यादातर देखिए आपको इसी तरह की वीडियोस रिकमेंडेशन में आई है। तो यहाँ मैं स्मार्टफोन में टैप करूँगा तो वो स्मार्टफोन से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो ये हुआ स्मार्टफोन का सेक्शन, में ये कंप्लीट बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी चैनल को सब्सक्राइब या कैसे करते हैं, चाहे सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स कैसे करते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे, जैसे कि मेरा DHN टेक का चैनल है, तो मेरा ऑलरेडी 3 चैनल है, जैसे DHN टेक हो गया, DHN ब्लॉग हो गया और एक DHN राइडर हो गया जो कि मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ, और एक हो गया जो DHN ब्लॉग जिसमें मैं ब्लॉग्स वगैरह शूट करता हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स वगैरह शूट करके अपलोड करता हूँ वो हो गया। और DHN टेक जो मेरा चैनल है उसमें मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूँ। जिस चैनल में को अभी आप देख रहे हैं वो DHN टेक है। तो मैं अभी जस्ट DHN टेक को ओपन करता हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं ये मेरा DHN टेक चैनल है, इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो जैसे इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा, जैसे आप कोई भी सर्च कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। उससे रिलेटेड और भी चैनल होंगे तो वो और भी चैनल आ जाएंगे यहाँ पर आपके, तो बट इस नाम से मेरा एक इसलिए अभी एक आ रहा, हो सके दूसरा किसी का भी वीडियोज ऐसा होगा इससे रिलेटेड तो उस तरह से आपको और भी लिस्ट में आएगा। तो इसको मैं जैसे ही लोगों में ओपन करूँगा तो ये मेरा पर्टिकुलर पर्सनल चैनल जो है DHN टेक ये ओपन हो गया है। तो इस तरह से मेरे सारे वीडियोस हैं, यहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और मैंने कभी कभी देखिएगा मैं कंटिन्यू फॉलो करते तो मैंने प्लेलिस्ट का भी जिक्र करता हूँ। तो ये हुआ प्लेलिस्ट, यहाँ पर प्लेलिस्ट को मैं सारे वीडियोस में अपने हिसाब से अपने आपके अकॉर्डिंग आपको सुविधा हो देखने के लिए उस हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज करके रखा है। आप चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लास्ट में एक सेक्शन है अबाउट का सेक्शन। अबाउट का सेक्शन में मेरा डिटेल से मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट मुझे जैसे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और मेरे अदर चैनल में स्विच कर सकते हैं। सारा सोशल मीडिया का हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर मैं इसे सब्सक्राइब कैसे करते हैं। जी गाइस, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं DHN टेक मेरा चैनल का लोगो है, यहाँ पर बैनर है, बैनर के नीचे देखिए रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब। तो ये गाइस सबसे पहले नीचे आप जाइए मेरा चैनल में आइए और आपको वीडियो प्ले कीजिएगा उस टाइम भी ये सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपको जस्ट आपको टैप करना है सब्सक्राइब। और मैं देखिए गौर कीजिएगा, मैंने हमेशा आपको बात किया है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो बेल आइकन ये होता है जैसे आप अभी अनसब्सक्राइब करते हैं तो इसको आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं, जैसे सब्सक्राइब करने के बाद ऑटोमेटिक राइट साइड में एक बेल का आइकन आता है, देखिएगा आप। तो यहाँ पर बेल आइकन जैसे ही आता है तो यहाँ पर टैप कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन ऑल में करना है। जब भी कीजिएगा ऑल में करना है ताकि मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ ये ध्यान रखिएगा। तो गाइज़ अभी मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, वीडियो प्ले करने के बाद आपको कहाँ कहाँ से लाइक्स वगैरह करते हैं डिसलाइक करते हैं सारा डिटेल में उसमें बताता हूँ। वीडियो गाइज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो प्लीज़ गाइज लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारा डिटेल बताने के लिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो प्लीज़ इसको लास्ट में देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो गाइज वीडियो को मैं प्ले जैसे ही करता हूँ तो ये देखिए मैंने अपना ही वीडियो प्ले किया है। तो ये जैसे ही देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। देखिए अब लाइक गाइज बहुत कम करते हैं, देखिए 83 व्यूज़ आया है, लाइक से 12 आया है। तो गाइज ये हुआ लाइक का सेक्शन, यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं, यहाँ पर डिसलाइक कर सकते हैं। तो गाइज़ ये लाइक और डिसलाइक का कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। ये गाइज यहाँ से कोई भी वीडियोज़ को जैसे आपको व्हाट्सएप में या कहीं भी शेयर करना है तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर का जैसे ही ऑप्शन करते हैं जितने भी आपका एप्लीकेशन है सोशल मीडिया अकाउंट्स के डिटेल है सारे आ जाएंगे। आप यहाँ से कॉपी लिंक करके आप लिंक को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, ट्विटर में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, उसके बाद आपको व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं और कहीं भी आप अपने हिसाब से आप शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयर का ऑप्शन होता है यहाँ से।
तो गाइज उसके बाद आता है ये डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड का ऑप्शन जैसे मैंने बताया आपको, डाउनलोड सेटिंग्स में जाकर डाउनलोड करने का जो ऑप्शन बताया, तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो इसको आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो ये हुआ डाउनलोड करने का फ़ायदा कि आप जैसे इसको डाउनलोड करते हैं तो आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। जब आपका डेटा बंद कर, जैसे मोबाइल डेटा है उसको ऑफ करके भी प्ले करेंगे तो वो प्ले होगा, ये डाउनलोड सेक्शन में चला जाएगा। और ये स्वैप का ऑप्शन है, जैसे आप स्वैप कीजिएगा तो रिमाइंड मी लेटर जो मैंने सेटिंग्स में जाके बताया था तो वो यहाँ से काम करता है। तो गाइस इसके बाद करते हैं, ये तो लाइक का हो गया। जैसे कमेंट का देखिएगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब का मेरा चैनल का लोगो है यहाँ से, तो इस तरह से अभी सब्सक्राइब है इसलिए ग्रे आ रहा है, बस आपको अनसब्सक्राइब करके मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से सब्सक्राइब का बटन आएगा हमेशा। तो जब भी आप गाइस इस तरह से वीडियोस देखें तो सबसे पहले चैनल को इस तरह से यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा के ऑन कर लेना है। तो गाइस इतना गाइस आपको करना है हमेशा। उसके बाद आपको कमेंट करना है, तो कमेंट का सेक्शन ये रहा। आप कोई भी चीज़ का कमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी कर कमेंट आपको, जो भी वीडियोस में मैंने कहा लाइक का होगा, ये अच्छा नहीं लगता है तो आप किसी हिसाब से आप डिसलाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ, कमेंट के नीचे में दो एरो दिया हुआ, तो यहाँ जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपको कमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा और आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये गाइज हो गया, कमेंट का सेक्शन हो गया। तो ये गाइज कमेंट का सेक्शन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से शेयर का ये लाइन पूरा समझ में आ गया, एक सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद मैं बार बार हमेशा करता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, मेरा सोशल साइट्स का लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन का बात हम वीडियो में करता हूँ और हमेशा बहुत सारे वीडियोज़ में आप देखते होंगे कि ये डिस्क्रिप्शन का बात जरूर करता है। तो ये डिस्क्रिप्शन ओपन कहाँ से होता है, जैसे यहाँ पर मेरा टाइटल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर टाइटल जहाँ पर है, टाइटल का साइड में देखिए एक एरो दिया हुआ है, ये डाउन एरो है। जैसे ये डाउन एरो में क्लिक करते हैं आप, तो मेरा डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट ओपन हो जाता है। इस वीडियो से रिलेटेड मैंने जो भी क्या क्या बताया उस वीडियो में, उससे सारा डिटेल्स आ जाता है। उसके बाद जो भी मेरा सोशल मीडिया के साइट्स से वो आ जाते हैं, मेरे बारे में कुछ जानना है ये, इसके बारे में आपको मेरा पर्सनल ईमेल आईडी वगैरह सारा, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सारे सोशल साइट्स के लिंक आ जाते हैं। इस तरह से आप कोई भी, गाइस मैं ये ऑप्शन आपको सब बता रहा हूँ अपने चैनल के लिए, बट मैं आपको अपना वीडियो का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आप इसी तरह से कोई भी ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लाइक डिसलाइक सारा आप कोई भी वीडियो में इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो गाइस थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो गाइस ये हुआ लाइक डिस्क्रिप्शन हो गया, सब्सक्राइब हो गया, डिसलाइक हो गया, डाउनलोड्स हो गया, मैंने लगभग सारे कुछ बता दिया है। तो आप लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आपको लाइक कहाँ से करना है, डिसलाइक कहाँ से करना है, ये शायद अब आगे से कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा। तो गाइज सबसे पहले जैसे मैंने बताया उस तरह से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ हमेशा लेके आता हूँ, मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर कोई भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक हो गया, ऐप का रिव्यू हो गया, मैं इस तरह के वीडियोज़ हमेशा लेके आता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक चैनल है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर DHN राइडर, आप सर्च कीजिएगा तो DHN राइडर करके सर्च कीजिएगा, तो मेरा दूसरा चैनल जो मोटो ब्लॉग से रिलेटेड है वो चैनल मेरा आ जाएगा। आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस, क्योंकि इसमें मैं आपको बाइक से रिलेटेड कार से रिलेटेड वीडियोज़ जो मोटो ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोज़ है वो अपलोड करता हूँ, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं आप। यदि इस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, जैसे कार और बाइक्स वगैरह का वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद मेरा चैनल है DHN ब्लॉग्स, यहाँ गाइस ये लाइफस्टाइल ब्लॉग है और ये लाइफस्टाइल देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाम से होंगे, बट ये देखिए मेरा यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, तो इसको आप ओपन कैसे कीजिएगा तो ये मेरा ब्लॉग चैनल ओपन हो जाएगा। मैं ये यहाँ पर लाइफस्टाइल टाइप के ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ एक्चुअली, जैसे कि जानते हैं आप लोग कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो मैं कोच्चि केरला में रहता हूँ और वहीं से आप करता हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं वहाँ के अलग अलग जगह का या फिर अलग अलग खाने का फिर वहाँ का रहन सहन कैसा होता है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप अगर ये जानना चाहते हैं कहीं भी दूसरे जगह के कहीं क्या कैसे लाइफस्टाइल वगैरह होता है, खाने पीने का चीज़ें, रहने का, घूमने का, यदि ज़्यादा शौक़ है आपको और किसी के बारे में किसी भी जगह के बारे में एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो आपको मेरा इस ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये मेरा DHN ब्लॉग का चैनल है, तो आप इसमें भी एक बार विजिट कीजिए और इस टाइप की वीडियोज़ अगर ये देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज मैंने सारा का सारा डिटेल बता दिया यूट्यूब में सेक्शन में, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे लाइक किया जाता है, कैसे कमेंट किया जाता है, कैसे
सर्च किया जाता है, कैसे आप अपने हिसाब से सारा यूट्यूब को अपने मतलब जो भी बताया मैंने गाइस ये मैंने सारा मोबाइल के सेक्शन में बताया, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस जो लोग देखते हैं वो मोबाइल में ही देखते हैं, इसलिए मैंने मोबाइल में ही बताया है। आप इसी तरह से आपको आगे वीडियोज़ अगर चाहिए जैसे डेस्कटॉप वर्जन में डेस्कटॉप वर्जन में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा जो सिस्टम का होता है सेटिंग्स का होता है वो थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, तो आप चाहिए तो मैं डेस्कटॉप वर्जन का भी डिटेल्स में बता दूंगा, बट मोबाइल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो मोबाइल के ही बारे में मैंने पहले बताया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको मोबाइल वर्जन में भी अच्छे से बताने को सकता हूँ। गाइज ये लेटेस्ट वर्जन जो अपडेटेड यूट्यूब है उसका मैंने सारा फीचर बताया, आप अगर यदि पुराना आओ आपका यूट्यूब का एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो ये सारे फंक्शन आपको अलग अलग जगह मिल सकते हैं, बट मैंने ये अपडेटेड वर्जन बताया है, जो भी आपका अपडेट है वो अपडेटेड वर्जन भी बताया है, तो इसलिए आप इस अपने एप्लीकेशन को पहले अपडेट कर लीजिएगा, अपडेट करने के बाद ही आप सारा कुछ ये सब देख सकते हैं, तो इसलिए पहले जाके अपडेट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि इसको कहाँ कहाँ क्या होता है। तो गाइस अब जानते हैं थोड़ा स्क्रीन में क्या क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर मैंने सारा कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा कुछ मैंने बता दिया है, तो यहाँ पर स्क्रीन में भी कुछ इंटरफेस चेंजेस मिलेगा गाइस, क्योंकि जो पहले का यूज़र इंटरफेस था जो यूट्यूब का बहुत ही अलग था, जो कि अभी है बहुत ही अलग है, तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन में टैग जैसे मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए इतना ऑप्शन आपको एक बार टैप जैसे यहाँ पर कट कर देते हैं तो नहीं आता है, एक बार टैप करते हैं तो आता है, जैसे मैंने कभी कभी ये मेरा वीडियो में या फिर किसी और काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा कि आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं सीसी क्या होता है ऑटो प्ले क्या होता है, तो आप यहां से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, जैसे यहां पर टैप कीजिएगा तो यहां पर देखिए एक प्ले और पुश का बटन दिया हुआ है, तो ये प्ले और पुश का बटन दिया हुआ, तो एक बार अगर यदि इसको ऑन करके रखते हैं तो आपको ये वीडियो चल रहा है, ये वीडियो के बाद आपको ये वीडियो उसके बाद ये वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, ये ऑटो प्ले का सेक्शन है, ये जैसे इसको ऑन करके रखते हैं तो ऑटो प्ले आपको इसके बाद अगली वीडियो आपको ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, तो इसको बंद करके रखिए चाहे ऑन करके रखिए आप अपने अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस यहाँ पर एक सीसी करके ऑप्शन दिया हुआ है, ये चीज़ आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर एक जैसे टाइप कीजिएगा यहाँ की यहाँ पर कोना में सीसी करके ऑप्शन दिया हुआ सीसी लिखा हुआ रहा है, तो गाइस ये काम क्या करता है, जैसे आपको कभी कभी वीडियोस में देखते हैं कि आपको वीडियो प्ले होता है प्ले होते होते आपको कुछ कुछ लिखा हुआ आता है या तो लैंग्वेज में आएगा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, आपको इंग्लिश वीडियोज़ कुछ देख रहे हैं तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा और कुछ अपने हिसाब से देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ आता है, तो यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्टेबल अवेलेबल दिस वीडियो, तो आपका यदि कोई भी लिखा हुआ अच्छी जाएगा तो इसको यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं ऑन कर सकते हैं, ये सीसी का ऑप्शन है। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ से आप तो फॉरवर्ड कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, यहाँ से रिवर्स के एक नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट है, थ्री डॉट में जैसे जाइएगा तो यहाँ वीडियो का क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि किस क्वालिटी में आपको प्ले करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर क्वालिटी से सेट कर सकते हैं। वो फॉर्म डीएचएन राइडर जैसे ये हम दिया मैंने हमेशा देखा है कि आपने या फिर मेरे वीडियोस में या दूसरे के किसी के वीडियोस में देखा होगा कि कभी कभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि आई बटन में मैं लिख दे दूंगा आप वहाँ से देख सकते हो, तो ये रहा इसका गाइज आई बटन, ये आई बटन में मैंने जो जो वीडियोज़ दिए हुए हैं सारे वीडियोज़ का, जैसे आप यहाँ पर थ्री डॉट में जाएंगे थ्री डॉट में आई का सेक्शन जैसे ये पहले आपको ऊपर भी मिल जाता था बट इसको थोड़ा अभी अंदर कर दिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले अपडेट कर लीजिएगा तभी आप यूज़ कर पाइए, तो जैसे ही आप आई बटन में जाएंगे तो ये सारा डिटेल्स आ जाएगा, जैसे जैसे जो जो चीज़ मैंने इसमें दिया हुआ है सारा आई बटन के सेक्शन में आ जाएगा थ्री डॉट में जैसे ही टैप करेंगे तो इसे। तो गाइस ये वीआर का सेक्शन है, वॉच ऑन वीआर, जैसे ग्लास लगा वगैरह लगा के देखते हैं ना तो उस तरह के यहाँ पर देखेंगे तो वीआर लगा के देख सकते हैं, कैप्शन कुछ दे सकते हैं, इस तरह सारा आप थ्री डॉट में जाके देख सकते हैं। मेन एक सिस्टम यही दिया होता है कि आपको आई बटन आपको इसके सेक्शन मिलता है और यूट्यूब का जो वीडियो की क्वालिटी है उसको कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेट कर सकते हैं ताकि आपका डेटा थोड़ा कम खर्च हो या फिर भी डेटा जैसा आप यूज़ करना चाहते हैं वो कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। आई बटन का दिया हुआ है यहाँ से सेक्शन, यहाँ से कट करेंगे तो यह पूरा कट हो जाएगा और बाकी नॉर्मल जैसा है वैसे ही चलेगा। तो गाइस ये सारा लगभग मैंने बता दिया, इसके बाद भी अगर यदि मुझसे कोई छूट गया क्योंकि वीडियोस लगभग 20-25 मिनट का हो गया है, तो इसलिए अगर यदि वीडियोस अभी भी कहीं से कहीं कुछ छूट गया है तो प्लीज़ गाइज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लगभग और वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा और आपके लिए
यूजफुल, हमेशा यूजफुल वीडियो सबके लिए हमेशा इस चैनल में मिलेगी, इसलिए मैंने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। याद रखिएगा मेरा चैनल का नाम है dhnsatish। आप इस वीडियो को जरूर नीचे यहाँ पर जो रेड कलर का बटन होगा, यहाँ पर अभी तो ग्रे है, ये रेड कलर का बटन है, ये रेड कलर का बटन दबा के इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं। अगर यदि आपको अच्छा लगे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपको टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आपको मिल चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये था गाइस सारा डिटेल्स यूट्यूब का, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, आधा घंटे का लगभग वीडियो हो गया, तो गाइस लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस ये था सारा डिटेल यूट्यूब के बारे में, ओके। तो देखा गया ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब में कहाँ कहाँ क्या होता है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन जहाँ से होता है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मुझे सोशल मीडिया के अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या अब मत बोलिए कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है, वो नहीं पता। मैंने डिस्क्रिप्शन के भी बारे में बताया कि ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से ओपन होता है, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसके बारे में बताया। इसलिए प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कीजिए, वहाँ मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक होंगे, जाके फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम मुझे पर्सनली अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। कुछ भी आपको इंक्वायरी चाहिए या फिर आपको कोई क्वेश्चन होगा मेरे अकॉर्डिंग या मुझे पर्सनली मेरे साथ चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।